ताज़ातरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्राची। राजस्थान के सीकर जिले में गांव तारापुर में एक शादी में दूल्हा ऐन वक्त पर मुकर गया। इतना ही नहीं बल्कि वह पेशाब का बहाना कर बारात समेत बैरंग भी लौट गया। कहानी में नया मोड़ तो दो दिन बाद आज सोमवार को आने जा रहा है। वो दूल्हा अब दुल्हन की होने वाली भाभी से शादी रचाने जा रहा है। दुल्हन के परिजनों के अनुसार सीकर के गांव तारापुरा में सूरज राम जांगिड़ की बेटी सुभिता की 3 जुलाई को झुंझुन से बुलगाला निवासी अजय जांगिड़ से शादी होने वाली थी। आज बारात लेकर सुभिता के घर पहुंचा था, तोरण व वरमाला और भोजन कार्यक्रम हो चुका था, 7 फेरे होने शेष थे। दुल्हन का आरोप है कि फेरे से पहले दूल्हे ने उसके पिता से दहेज की मांग की, जिसमें मोटरसाइकिल गहने व नकदी की मांग रखी है। दुल्हन सुभिता की माने तो पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ किया था, मगर दूल्हा अजय की अन्य डिमांड पूरी करने में असमर्थ था। इसके बाद दूल्हा अजय पेशाब के बहाने बारात समेत वहां से चला गया। सोमवार को दुल्हन ने सीकर एसपी के समक्ष अपनी पीड़ा बयां की। ददिया पुलिस पर मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि सुमिता के भाई पंकज की सोमवार को दूल्हा अजय की रिश्तेदारी में शादी होने वाली थी। सुमिता के बाद पंकज की भी शादी टूट गई। अब उस दूल्हा यानी सुमिता की होने वाली भाभी उसका दूल्हा अजय शादी करेगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।